अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा कोरंट्रा का 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको जो है वो जो हमारे हमने अभी तक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर काम किया है, मैंने आपको उसमें लाइन वर्क थोड़ा करवाया है, काम कुछ बेसिक शेप के साथ काम करवाया था। तो आज हमने पीछे जितना भी काम किया है उस सारे का मुकम्मल का आप समझ लें कि हम थोड़ा ओवरव्यू भी साथ करेंगे और साथ में उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हम इससे कैसे कैसे कौन कौन सी किस किस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। छोटे छोटे डिज़ाइन में आपको बना के दिखाऊंगा, कुछ मैं आपको इसके अंदर इसी लेक्चर के अंदर जो है वो साथ में आपको जो है इससे बल्कि इसके अगले पार्ट में मैं आपको इंशाल्लाह फिर वो प्रिंट डिज़ाइनिंग के हवाले से भी चीज़ें थोड़ी समझाऊंगा कि किस तरह से आप ब्रोशर वगैरह बैनर वगैरह जो है वो आप बना सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको एक दो छोटे छोटे डिज़ाइन बनाना दिखाता हूँ, ठीक है? बनाकर दिखाता हूँ। जैसे मिसाल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपने पेप्सी का लोगो बनाना, तो पेप्सी का लोगो कैसे बनेगा? देखिए, यहाँ से मैंने LEPS टूल लिया, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे, चारों साइडें विड्थ और हाइट का कि इक्वल रहे, सर्कल की मैंने एक सर्कल लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ से फ्री हैंड टूल लिया, क्लिक करके इसको ड्रॉ किया, ठीक है? शेप टूल पकड़ा मैंने, इस लाइन के ऊपर को सिलेक्ट किया और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व्स कर दिया। अब ये हैंडल मैंने थोड़ा सा इधर को मूव किया और ये लेफ्ट साइड पे मूव किया और ये राइट साइड पे मूव कर लिया। क्लियर है जी भाई यहाँ तक? अब मैंने इसी को कॉपी पेस्ट किया लाइन को और मैंने इसको क्लिक करके थोड़ा सा इधर मूव कर लिया। क्लियर है जी बात? अब मैंने इस सारे को ऑल सेलेक्ट किया और यहाँ से आकर मैंने इसको ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने से क्या होता है कि हमारी शेप कट जाती है, दोनों लाइनों ने उस सर्कल को काट दिया। अब इसको अलग अलग करना, तो राइट क्लिक करें, सिलेक्ट करके ब्रेक करवा पार्ट पे क्लिक करें, तो ये देखें ये तीनों पार्ट अलग अलग हो गए, ठीक है? अब मैं इसमें जो है वो एक में ब्लू कलर कर देता हूँ और एक में रेड कलर कर देता हूँ, तो ये देखें ये आपका पेप्सी का लोगो बन गया। क्लियर है? पहले यही लोगो होता था, अब शायद न्यू लोगो आया हुआ है, तो मेरे अभी माइंड में नहीं है, अदरवाइज वो भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता होगा, ठीक है? तो मकसद ये है कि आपकी लाइन आप कर्व कर रहे हो, ठीक है, और उसको ब्रेक कर रहे हो। इसी तरह से देखें, जैसे हमने पाकिस्तान का झंडा फ्लैग कोई भी बनाना है, आप सिंपल एक रेक्टेंगल लें, सिंपल सी कॉमन सेंस है, आप लाइन लगाएं, क्लिक करके नीचे को ड्रॉ कर लें, क्रॉस करना है, ठीक है? और ग्रीन वाली साइड आपको पता हमारी ज़्यादा है और वाइट वाली साइड जो है वो कम होती है, तो उसी हिसाब से हम लाइन को रख लेंगे और लाइन को यहाँ तक मूव करवा लेते हैं। आपको जैसे जितना आपने ग्रीन साइज बड़ी रखनी है, छोटा रखना है, वो आप देख लें, उसके मुताबिक आप इसको यहाँ से ऑल सेलेक्ट करके दोनों शेप्स को इकट्ठा सेलेक्ट करें, ट्रिम करें, लाइन को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। इसको राइट क्लिक करके ब्रेक करवा पार्ट कर देंगे, यहाँ पर इसमें ग्रीन कलर कर देते हैं और ये आपका वाइट कलर हो गया, ठीक है? अब आपने चांद बनाना है, हमने एक सर्कल लेंगे, ये सर्कल लगाया, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल का बटन प्रेस करके थोड़ा सा आगे को मूव करूँगा और थोड़ा सा ऊपर को मूव करूँगा, ठीक है जी? तो यहाँ से मैंने ऑल सेलेक्ट करके इसको ट्रिम किया सर्कल को, तो ये देखें ये चांद निकल आया। शिफ्ट का बटन प्रेस करके साइज छोटा करूँगा, अगर चारों साइड इक्वली छोटी हों, तो यहाँ पर इसमें मैं वाइट कलर कर देता हूँ। और अगर आपने जो है वो डेफिनेटली स्टार बनाना है, तो आपके पास यहाँ पर स्टार टूल मौजूद है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके छोटा सा स्टार लगा ले, इसमें वाइट कलर कर ले फिल, और इसको ला के इधर रख दे और लाइन कलर भी इसमें फिल कर दे। क्लियर है? ये देखो जी, यहाँ तक हमारे पास जो है वो एक ये डिज़ाइन बन गया। तो इस तरह से आप और बहुत सारे डिज़ाइन, छोटे छोटे डिज़ाइन जो हैं बड़े आराम से आसानी के साथ चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं अभी आपको अगर अपना इंटरनेट कनेक्ट करके दिखाता हूँ, आपको कुछ डिज़ाइन और मज़ीद दिखाता हूँ, आपको आइडिया देता हूँ मैं इसमें। देखिए जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रोशर्स, ठीक है? ब्रोशर डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन में आ जाएं, अगर हम इमेज पे क्लिक करते हैं, अब ये डिफरेंट, अभी ये 3 फोल्डर ब्रोशर है, ठीक है? अच्छा, प्रिंटिंग की टिप्स मैं आपको दूंगा, लेकिन वो मैंने आपको कहा अगले लेक्चर में दूंगा, अभी हम सिर्फ डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है? आपने इनमें से कोई भी डिज़ाइन बनाना जो आपको अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप अगर उसको बनाना चाहें तो बड़े आसानी के साथ बन जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा
सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल करना है आपने, अपना अपने माइंड को यूज़ करना है कि ये चीज़ किस तरह से लाइन ड्रॉ हो सकती है, कौन सी शेप किस तरह से निकल सकती है, उस तरह से आपने बस चीज़ों को समझना है, ठीक है। जैसे मतलब मैं अगर इस डिज़ाइन की बात करूँ, ये देखिए ये एक बड़ा अच्छा यूनिक सा डिज़ाइन बना हुआ ये भी, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, थोड़ा सा बड़ा करूँ इसको, तो ये देखिए ये अब आपको प्रोमिनेंटली नज़र आएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये मैं साइड बनाना चाहता हूँ, तो ये मैं किस तरह से बनाऊँगा, बड़े आराम से बन जाऊँगा। बाकी तो ये देखिए ये जो कलर का है ये सारा खेल, तो कलर्स के अभी कलर स्कीमिंग मैंने आपको नहीं सिखाई, ना ही अभी हमने उसके ऊपर काम किया है। अभी जब हम आगे जाएंगे तो कलर्स की बात आएगी, तो फिर हम कलर को भी मैं आपको बताऊंगा कि कलर किस तरह से, इस तरह से ग्रूम नज़र आते हैं वो किस तरह मिलते हैं। लेकिन अभी डिज़ाइन की सिर्फ मैं बात करूँ, लाइन वर्क की बात कर रहा हूँ, तो लाइन वर्क कैसे बनेगा इस ब्रोशर पर वो आगे बात करते हैं। मैंने एक रिक्टेंगल ली, ये समझ लें, ये फ़र्ज़ करें ये ब्रोशर है, ये इस तरह से, ठीक है। अब इसकी ये कर्व है, ये कर्व है, तो ये कैसे लगी हुई है कर्व्स, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बेशक यहाँ से एक रिक्टेंगल और ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैंने ये देखना कि ये यहाँ तक है, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ तक रख लिया। इसको इसके साथ सेलेक्ट करके हमारे पास यहाँ पर एक कमांड होती है इंटरसेक्ट की, इंटरसेक्ट क्या करती है, इसी की कॉपी उसके ऊपर मजीद बना देगी, ठीक है। ये देखिए ये मजीद बन गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी मैंने इस तरह से क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि ये जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ये शेप टूल से मूव नहीं होते। अगर हम मैं इसको शेप टूल से मूव करना चाहूँगा तो ये देखिए ये मूव नहीं हो रहा बल्कि वो राउंड जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं तो राउंड करना ही नहीं चाह रहा। अब मैं इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ और इसी शेप को की दो शेप्स बनाऊँ, ठीक है, ये देखिए दो शेप्स बन गई। इसको ऑल सेलेक्ट करके अगर मैं इसको सिर्फ वेल्ड भी कर दूँ ना, ठीक है, तो अब आप देखें कि जब मैं यहाँ से इसको मूव करूँगा तो ये देखें ये पूरा मूव होगा, ठीक है। तो इस यही वजह है कि इसकी वजह से मैंने इसको मॉडिफाई कर बनाया, ठीक है। अच्छा अब ये मैं इसको यहाँ से नीचे ले आऊँगा, ये यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके इस एंकर को नीचे को मूव करूँगा। अब मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, लाइन को कर्व किया, और मैं यहाँ से मुझे इसको बिल्कुल कर्व देना, तो मैंने यहाँ से इसको कर्व दे दी, ठीक है। तो ये देखें ये आपकी शेप इस तरह से यहाँ तक मुकम्मल हो। बहुत आसान है, अगर आप चीज़ों को समझेंगे थोड़ा सा तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें कोई, ठीक है जी। अब मैं इसी सर्कल को चाहे पकड़ लेता हूँ, मैं इसके नोड पॉइंट पे रखता हूँ, ये देखें ये कर्व निकल रहा है, इसको मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो मैंने इसके साथ इसको इंटरसेक्ट किया, इस सर्कल को ख़त्म किया, तो ये देखिए ये मेरे पास एक सर्कल आ गया, ठीक है। अब मैं हम ये कहें कि जी ये इस सर्कल के अंदर फिर ये सर्कल है, इसके ऊपर फिर ये सर्कल है, फिर ये सर्कल है, तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको इसको सिंपल करके बता देता हूँ, आप यहाँ पर रखें, ठीक है, ये वाला सर्कल अगर बनाना है, ये वैसे पूरी शेप बनी हुई है कुछ इस तरह से, ये बटन बना हुआ ये वाला, ये देखिए ये वाला एरिया, ये वाला यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये देखिए ये चीज़ जो है वो इस कॉर्नर पे रखी गई है बनाकर, तो वो बहरहाल वो हम देखेंगे वो कैसे हो सकता है। लेकिन अभी आप फिलहाल देख लें कि अगर आपने इधर से इसको हम करेंगे, हमारे पास एक ही काम को करने के बहुत सारे मेथड है, हम कोई लाजमी नहीं है कि हमने उसको उसी तरीके से करना है। इसको इसके साथ हमने जो है वो क्या किया, सेलेक्ट किया दोनों शेप्स को और इसको इंटरसेक्ट करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ या मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास एक लाइन निकल, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये कलर दे देता हूँ और यहाँ पे मैं अगर वाइट कलर दे देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से शेप मुझे देगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं रेड कलर दे देता हूँ तो ये कुछ, ये देखें ये कुछ इस तरह से शेप दे रही है। तो ये ऊपर इसके ये गोल सा बड़ा सा बटन बना हुआ है, तो मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँ, इसमें वाइट कलर करूँ, इसको कॉपी पेस्ट करके इसको शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसके अंदर एक बटन यहाँ पे क्रिएट कर दूँ और इसको मैं ऑरेंज कलर दे दूँ, ऑल सेलेक्ट करके इसको इकट्ठा पकड़ के इसको इधर ला कर रख दूँ, शिफ्ट पेज अप करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया। और अगर इस सारे को इकट्ठा सेलेक्ट करके कंट्रोल जी का बटन ग्रुप के लिए, ये ग्रुप का वो आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा, ये इकट्ठा हो जाएगा, अब ये अलग अलग नहीं रहेंगी शेप्स, ठीक है जी। तो इस तरह से कुछ ये आपका बटन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको
जो है वो जहाँ पे भी आपने इसको रखना है आप इसको रख सकते हैं, और आपका आसानी से ये डिज़ाइन तैयार हो गया। ठीक है, अब इसी को पकड़ के यहाँ आप इधर कॉर्नर में ला के सेट कर लें तो वो भी उसके मुताबिक आपका ये बटन, यही बटन यहाँ पर आके भी सेट हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें यहाँ पर रेड कलर का किया है और यहाँ पे ये बटन का ऑरेंज कलर है, ये फर्क है और आउटलाइंस का फर्क है। यहाँ पे मैंने अभी आउटलाइन लगी रहने दी है, उसकी वजह ये है क्योंकि अभी हम कलर स्कीम के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ लाइन वर्क आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये डिज़ाइन देखें और ये देखें, यही इस तरह से आपके ब्रोशर वगैरह बनते हैं। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपको मजीद काम करवाऊंगा, इसका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। कम से कम ये जो दो एक दो तीन डिज़ाइन मैंने बनाए हैं इन्हीं को ही आप बना कर देखें, बाकी इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसको मजीद अच्छे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक बार याद रखिएगा, मेक बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे तो काम होगा। ठीक है, अगर आप कहें कि आपको बात नहीं समझ आ रही या आपको मसला आ रहा है ज़्यादा, आपको मतलब चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो उसके ऊपर फिर मैं सिर्फ एक ही कमेंट करूँगा कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपने एक वीडियो को बार बार देखना है। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको करवा रहा हूँ मार्केट का काम, टेक्निकल काम। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कर रहा कि आप ठीक है जी यहाँ पे क्लिक करें ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करें ऐसे हो जाएगा, अच्छा जी ले जी ये डिज़ाइन बन गया, वो डिज़ाइन बन गया। ये देखें ये अभी हमारा 8वां लेक्चर है। ठीक है, और 8वें लेक्चर में मैंने आपको यहाँ तक लेके आ गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको चंद एक और लेक्चर करवाऊंगा, हम वैसे ही कितना काम आगे ले जाएंगे। तो लेकिन ये है कि काम मैं बहुत तेज़ी से नहीं करवाना चाह रहा, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ आए, आप इसको प्रैक्टिस करें ताकि आप मार्केट में अपने कैरियर को ग्रो कर सकें। ठीक है जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस अब तक पहुंच सके।